इतना वो बड़ा वाला, मतलब किसी के सर पे मारो तो उसका सर टूट जाए. दैट वाज माय फर्स्ट फोन. मुझे याद है कि मुझे जब फर्स्ट शो के लिए अप्रोच किया गया था मैं बहुत नर्वस थी और उन्होंने मुझे रिहर्सल्स के लिए 3 दिन बुलाया था शो स्टार्ट होने के पहले. ओके और जो मेरे को एक्टर थे जो मेरा हस्बैंड प्ले कर रहे थे उस शो में वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और बहुत जल्दी जल्दी डायलॉग्स बोल रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी एंड आई वॉज़ वेरी इनकॉन्फिडेंट कि मुझे लगा कि यार मैं लीड कर रही हूँ मैं परफॉर्म कर भी पाऊँगी कि नहीं. और वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे दोनों एक्टर्स जो मेरे साथ थे जिनके साथ मैं रिहर्सल्स कर रही थी. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि मैंने जाके जो जिसने मुझे कास्ट किया था मैंने उनसे कहा कि यार मुझसे नहीं होगा मुझे आप मेरे बदले किसी और को ले लो रिप्लेस कर लो आई कैन नॉट डू इट. तो उन्होंने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जताया. अभी मैं उनका नाम जानती हूँ विश्वास जी उनका नाम था. उन्होंने मुझे कहा कि नहीं राजसी ये तो तुम ही करोगे आई एम नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट. अब ये तुम्हें कैसे करना है वो तुम सोचो बट ये तुम ही करोगी. तो वो उस एक बात ने मुझे में इतना ये भर दिया एंथुसियाज्म भर दिया कि मैं घर जाती थी और मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट मेरे क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबे डायलॉग्स मेरे थे मैं लीड कर रही थी मैं घर जाती थी और मैं अपने पूरे डायलॉग्स को रन थ्रू करती थी और मैंने ठान लिया था कि जिस दिन शो शुरू होगा मैं एक भी फंबल नहीं मारूंगी एंड आई स्टिक टू दैट. क्योंकि जितने लोग उस वक्त सेट पर थे उन सब ने मुझे शूट होने के बाद आके कंग्रेचुलेट किया बोलते यार अमेजिंग हाउ कुड यू डू दिस एक फंबल नहीं एक डायलॉग में एक फंबल नहीं. अब मैंने मन में सोचा मैं 3 दिन से अच्छा खासा रट्टा मार रही हूँ बट येस आई डिड इट. एंड जो मेरे दूसरे जो एक्टर्स थे को एक्टर्स थे जो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हम तो कर लेंगे उनके बहुत सारे फंबल हुए. नथिंग अगेंस्ट देम दे आर वेरी स्वीट एंड दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स बट ये डेफिनेटली वाज इन मेरा एक फंबल नहीं हुआ एंड पीपल वर सो हैप्पी एंड दे वर क्लैपिंग ऑन द सेट. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हाँ फर्स्ट पेचक उसी शो का था कलर्स का था और से जब बजट की बात हो रही थी तो मेरे लिए ऐसा था कि यार मैं काम कर रही हूँ मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है. तब मुझे वो पेचक वगैरह का इतना एक्साइटमेंट नहीं था. दे सेड दिस इज़ व्हाट वी आर पेइंग यू आई सेड ठीक है नो प्रॉब्लम. पर उस शो से मुझे काफ़ी फुटेज मिला मुझे काफ़ी काम मिला एंड आई बिकेम लिटिल पॉपुलर आफ्टर दैट. एंड I think I have always admired Shah Rukh Khan. I don't know why. He's been always a crush for me because वो फौजी के टाइम से मैं उनको देखते आ रही हूँ और मैंने कभी किसी हीरो के बारे में इतना डीपली नहीं सोचा जितना मैंने शाहरुख जी के बारे में सोचा है. और मैं उनको बहुत बहुत प्यार करती हूँ. मैं आई विश मेरी एक ड्रीम मैं 5वीं पास में गई थी बट आई डिडंट गेट अ चांस टू हग हिम एंड किस हिम. तो अगर वो मुझे एक चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली शाहरुख जी आपको किस करना चाहूँगी आपको हग करना चाहूँगी. फर्स्ट मूवी जो मैंने की थी वो थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज मिर्ज़ा जूलियट जिसमें दर्शन कुमार जी थे. सो मैंने कैरेक्टर वाज नॉट दैट बिग बट फॉर मी दैट वाज जो दर्शन कुमार जी जब छोटे होते हैं व्हेन ही इज़ अ चाइल्ड 3-4 इयर्स सो आई हैव प्लेड हिज मदर इन द मूवी एंड देन आई गेट किल्ड एंड ऑल दैट. तो दैट वाज द स्टोरी. फर्स्ट डेट ओके हाँ अच्छा. तो स्कूल डेज में तो कभी डेट वेट हुआ नहीं क्योंकि मैं बहुत टॉम बॉय थी तो मैं लड़कों को मार मार दिया करती थी तो कोई लड़का मेरे नज़दीक नहीं आता था. बट जब मैं कॉलेज में जाने लगी मैंने देखा है लड़कियाँ तो बड़ा ससंवर के निकलती हैं काफ़ी लड़कों को अदाएँ वदाएँ दिखाती हैं एंड यू नो दे रियली लुक प्रिटी एंड ऑल दैट. तब मेरे अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट जागा कि यार मैं भी वैसी ही दिखूँ. ये टॉम बॉय बन के तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा ना मुझे कोई डेट के लिए पूछ रहा डर के मारे. तो मुझे याद है जब मैं आई वॉज़ इन 13th स्टैंडर्ड और मेरे से किसी ने मेरा नाम पूछा था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस वक्त. और मैंने वो बंदे को कुछ बोले भी ना मैं आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. और उसके बाद भी 13th 14th में मैंने किसी लड़के से बात नहीं करी. 15th में एक लड़का आया था जो बहुत हैंडसम गुड लुकिंग था. वो मस्कत से आया था मेरे कॉलेज में. इट वॉज़ अ न्यू एंट्री एंड ऑल द गर्ल्स वर लाइक क्रेजी अबाउट हिम कि और ये लड़का है इसको तो पटाना है. सारी लड़कियाँ उसके पीछे पागल हो रही थी एंड आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड.
fortunately that I was a lucky one, because that particular guy, I was very surprised that why did he like me, but somehow he started liking me. तो वो आके मेरे क्लास के बाहर खड़ा होता था, तो मैं सोचती थी किस लड़की को दिखता होगा, बिकॉज मैं अपने आप को आई शुड नॉट कंसिडर माई सेल्फ गुड लुकिंग. मैं सोचती थी यार, और मेरे क्लास में बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होती थी, तो मैं सोचती थी किसी को दे, और हम बैक बेंचर्स थे, हम पीछे बैठते थे, हम वैसे ही दिखते नहीं थे. तो आगे लड़कियाँ बैठती थी बहुत सारी लाइन में, तो उनको मुझे लगता मैं तुक्का लगाती थी कि इनमें से कोई होगी. फिर फाइनली वो क्लास में बहुत ज़्यादा आने लग गया, उसने मेरे क्लोज फ्रेंड से दोस्ती कर ली. मैंने पूछा अच्छा, तो वन डे, एंड आई शुड नॉट गिव हिम भाव, बिकॉज आई टू थिंक कि ये जूनियर है और वैसे भी इसके पीछे इतनी लड़कियाँ पड़ी तो मेरे को क्या खाक पसंद करेगा, तो आई शुड नॉट गिव हिम भाव. सडन तो आई शुड ऑलवेज अवॉइड एंड गो. फाइनली वन डे ही होल्डेड मी, सेड स्टॉप, वाई डू यू रन अवे वैन आई कम. ऐसे मतलब क्या करूँ मैं तुमसे बात करके, बोलते क्यों तुम्हें मेरी फ्रेंडशिप पसंद नहीं. मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैंने कहा वैसे तुम्हारे पीछे थी लड़कियाँ पागल हुई पड़ी है, मैं भी एक और ऐड हो जाऊँ पागलों की लिस्ट में, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. फाइनली ही डिस्क्लोज दैट ही हैड द लाइकलीनेस टुवर्ड्स मी, एंड वी स्टार्टेड एज गुड फ्रेंड्स, एंड देन वी वर इन टू अवर रिलेशनशिप. अनफॉर्चुनेटली दैट रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स. And I only broke up with him, but there were X, Y, Z reasons. But yes, that was my first date and my first love. Of course, my first heartbreak was him only, because I actually loved him a lot. I loved him because he loved me like 100 times more than what I loved him. And when I had to leave him and go because of X, Y, and Z, and they are my personal reasons, I cannot disclose them. But when I had to leave him and go and break up with him, I think that was the biggest heartbreak that I have ever experienced in my life. First mobile phone I had, that Motorola. Itna bada wala. Jab kisi ke sar pe maro to uska sar toot jaye. That was my first phone. फर्स्ट अवार्ड आई गॉट इन JP Morgan. मैं JP Morgan चेज में बहुत अच्छी परफॉर्मर थी. अभी फिल्म इंडस्ट्री में जो अवार्ड्स, उनको मैं अवार्ड्स बोलूँ नहीं बोलूँ, बट ऐसे हमारे ग्रुप में लोग अवार्ड कर देते हैं, बट ऑन स्क्रीन मतलब मैंने अभी तक कोई अवार्ड नहीं लिया. बट येस, वैन आई वॉज अ प्रोफेशनल विद JP Morgan चेज, आई एम एन MBA बाई प्रोफेशन, तो तब मैंने बहुत अवार्ड्स लिए, वो आज भी पड़े हैं मेरे घर पर. फर्स्ट किस, हाँ फर्स्ट किस वॉज माई गाय ओनली 15, मतलब सोचो मैं 15 स्टैंडर्ड मैंने फर्स्ट किस किया. आई मीन पीपल विल मी मस्ट बी लाफिंग, बट दैट्स अ फैक्ट. आई किस्ड अ गाय व्हेन आई वॉज इन 15 स्टैंडर्ड, एंड इट वॉज लाइक, एंड आई वॉज स्टिल स्केर्ड कि करूँ नहीं करूँ, बड़ी मुश्किल से हुआ, बट दैट वॉज माई फर्स्ट किस.